नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ MDSL यानी कि माजगांव डाउस से बिल्डर्स लिमिटेड की बड़ी भर्ती के बारे में। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने ITI कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है MDSL में यानी कि माजगांव डॉग से बिल्डर्स लिमिटेड में। दोस्तों, ये बड़ी भर्ती होने जा रही है। जैसे ही बताया दोस्तों, यदि आप 8वीं पास हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ITI कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक टोटल वैकेंसीज की बात है तो इसमें 410 वैकेंसी है। दोस्तों, जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी आपको इस पर नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, जहाँ तक फीस की बात है तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है और SC ST PWD के लिए दोस्तों कोई फीस नहीं है इस भर्ती में। दोस्तों, जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए 23/12/2020 से अप्लाई होना शुरू हो गया और इसकी लास्ट डेट है 11 जनवरी 2021। दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, आपको बता दूँ कि इसमें ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती होने जा रही है और इसमें पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रुप ए पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में। ग्रुप ए पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास। इसमें दोस्तों ट्रेड के नाम है इलेक्ट्रीशियन, इसमें 31 पोस्ट हैं। दोस्तों, फीटर की 57 पोस्ट है, पाइप फीटर की 64+10 पोस्ट हैं तथा स्ट्रक्चरल फीटर की 43 पोस्ट है। दोस्तों, इसमें दोस्तों ड्यूरेशन 2 साल का होगा। इसमें आपको पहले साल में 6000 रुपये मिलेगी और दूसरे साल में 6600 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, इसमें दोस्तों आयु सीमा है 15 साल से 19 साल। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रुप बी पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में। ग्रुप बी के लिए दोस्तों ITI पास होना चाहिए कैंडिडेट। इसमें दोस्तों पहले ट्रेड का नाम है ICT SM, इसमें 15 वैकेंसी है। दोस्तों, दूसरा ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें 29 वैकेंसी है। और तीसरा ट्रेड है फीटर स्ट्रक्चरल, ex-ITI फीटर दोस्तों, इसमें 54 पोस्ट है। और कारपेंटर की 28 पोस्ट है। दोस्तों, इसमें ड्यूरेशन 1 साल का है। सैलरी मिलेगी आपको 8050 रुपये। इसमें 16 साल से 21 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, जहाँ तक ग्रुप सी पोस्ट की बात है तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ITI पास केवल। दोस्तों, और इसमें दोस्तों ट्रेड के नाम है रिगर, इसमें 40 पोस्ट हैं। और दूसरी ट्रेड का नाम है दोस्तों वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, इसमें 39 पोस्ट हैं। दोस्तों, इसमें दोस्तों 2 साल का ड्यूरेशन है रिगर के लिए और वेल्डर के लिए 1 साल और 3 महीने का ड्यूरेशन है। दोस्तों, सैलरी मिलेगी आपको 5000 रुपये और 5500 रुपये। दोस्तों, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए दोस्तों एज लिमिट है 14 साल से 18 साल। दोस्तों, इस भर्ती का लोकेशन मुंबई है। और जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर की बात है तो इसके एग्जामिनेशन सेंटर है दोस्तों मुंबई, पुणे, नागपुर तथा औरंगाबाद। और इस भर्ती के लिए दोस्तों जहाँ तक वेबसाइट की बात है तो इसकी वेबसाइट का एड्रेस है दोस्तों https://mazgaon.in पे जाके दोस्तों आप इस भर्ती का डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सो डिटेल इस भर्ती का। और इन केस आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन वो अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।